नमस्कार फ्रेंड्स, आरबी मोरा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये विजिटिंग कार्ड जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको मैंने पिछले क्लास में डिजाइन किया था। आज के क्लास में यही सेम मैटर कॉपी करेंगे और एक नया डिजाइन कंप्लीट तैयार करेंगे। इससे बिल्कुल डिजाइन डिफरेंट होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं नेक्स्ट वेज यहाँ पर इंसर्ट कर रखा है और मैटर भी मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। तो मैटर सेम है, बस डिजाइन आपको डिफरेंट करना है। तो टूल्स में जाएं, रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करके एक रेक्टेंगल इंसर्ट कर लें और विजिटिंग कार्ड की जो साइज है वो कर लेते हैं 3.5x2 इंच। इसी के अंदर हम डिजाइन करेंगे। तो आज के क्लास में हम चाहते हैं कि इसमें कुछ कर्व शेप मॉडल डिजाइन बनाना शुरू करें, जैसा कि मैं चाहता हूं कि इस तरीके से यहां पर कर्व बना हो और बाकी जो पार्ट है वो वाइट रहे। तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे और यहां से हम फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करके एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। या फिर आप क्या करें, ये जो आपका रेक्टेंगल है इसकी साइज यहाँ पर छोटी कर लें और प्रॉपर्टी बार में जाएं, यहाँ से कर दें कन्वर्ट टू कर्व। कर्व करने के बाद शेप टूल का इस्तेमाल करके हम इसके टॉप के दो नोड सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें प्रॉपर्टी बार में जाना है और यहां से कर देते हैं कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद राइट साइड के पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, इसको हल्का सा बॉटम साइड में लाएंगे यहाँ पर। उसके बाद ये जो एंकर पॉइंट है टॉप साइड का, इसको और टॉप साइड में हम ले जाएंगे और इसको और बॉटम में लाएंगे। ये डिजाइन बिल्कुल बेसिक है और इसको भी हल्का सा बॉटम साइड में लाएंगे। इस एंकर पॉइंट्स को हल्का सा टॉप साइड में कर देंगे और इस पॉइंट्स को भी मैं बॉटम में लाता हूं और इस एंकर पॉइंट को हल्का सा और टॉप राइट साइड लेते हुए इसको कर देते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके का एक बेसिक सा यहाँ पर आपको कर्व देखने को मिल जाता है। उसके बाद इस डिजाइन को हम मैटर से फिलहाल अभी बाहर कर लेते हैं। बाहर करने के बाद इसमें हम थ्री पॉइंट कर्व टूल का भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो उसके लिए टूल्स में जाएं, थ्री पॉइंट कर्व टूल सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद एक क्लिक में यहाँ करता हूँ और दूसरा क्लिक यहाँ पर कर देते हैं और सिंपली माउस के लेफ्ट बटन को छोड़ देंगे और यहाँ पर लाते हैं। कर्व के अनुसार ही यहाँ पर हम इसको लाएंगे। तो ये बिल्कुल रबर की तरह वर्क करता है। फिर से एक क्लिक यहाँ करेंगे और दूसरा क्लिक मैं यहाँ करता हूँ, फिर से कर्व शेप बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसा कर्व यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फिर शेप टूल का इस्तेमाल करके इस पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे हल्का सा और टॉप में कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट करें एक बार इस पर और इस पर डबल क्लिक करेंगे। इसको हल्का सा चाहे तो रोटेट करा दें और ऊपर की साइड भी कर लेते हैं हल्का सा। इस शेप को चाहते तो आप इसी डिज़ाइन का यूज करके बना सकते थे, लेकिन मेरी कोशिश थी कि हम एक नया टूल्स का इस्तेमाल करें। उसके बाद एक बार फिर से टूल्स में जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं थ्री पॉइंट कर्व टूल। एक क्लिक मैं यहाँ करता हूँ, दूसरा क्लिक यहाँ करते हैं और यहाँ पर भी कुछ डिज़ाइन बना देते हैं ठीक उसी प्रकार से। तो इसी के अनुसार मैंने यहाँ पर कर्व बना लिया है। कर्व बनाने के बाद एक क्लिक फिर से यहाँ से करेंगे, दूसरा यहाँ और फिर से कर्व बनाएंगे। तो एक कर्व मैंने यहाँ पर बना लिया, दूसरा कर्व जो है यहाँ पर बना लिया है। कर्व बनाने के बाद अब ये जो पार्ट आपका है इसको हमें स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल करना होगा। तो टूल्स में जाएंगे, स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करेंगे और सिंपली जो है इस पार्ट को फिल कर देते हैं। सॉरी, ये पार्ट हमें नहीं फिल करना है क्योंकि ये तो रेक्टेंगल आपको मिल ही जा रहा है। ये आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसमें आपको स्मार्ट फिल टूल का यूज करने की आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट फिल टूल हम इसमें यूज करेंगे और इसमें यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले ये फिल क्यों हो जा रहा है, इसको मैं पेज अप कर लेता हूँ। शिफ्ट के साथ पेज अप कर लेते हैं और फिर इस पार्ट को फिल कर देते हैं। फिर भी दिक्कत कर रहा है, फिल नहीं हो रहा है। ये जो पिंक कलर का आपका डिजाइन है इसको मैं शिफ्ट के साथ पेज डाउन कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या फिल कर रहा है। फिर भी ये फिल नहीं कर रहा है, कुछ दिक्कत आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको टॉप साइड में कर लेते हैं, फिर इसको फिल करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से फिल कर लिया। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे, बॉटम साइड से अलाइनमेंट हो जाता है। अलाइनमेंट करने के बाद अब इसमें हम कलर भी फिल कर लेते हैं।
तो इसमें हम फिल करेंगे ब्लू कलर और इसमें फिल करेंगे ऑरेंज कलर। और ये जो आपका ब्लू कलर है इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और इसमें जो ये मैजेंटा जो यहाँ पर 100% है इसको हम कर लेते हैं 80% और ब्लैक इसमें 40% मिक्स कर देते हैं या 50% 40% परफेक्ट है। और ये जो डिज़ाइन आपका है इसमें हम फिल कर लेते हैं सियान कलर, सियान सही रहेगा, सियान कलर फिल कर लेते हैं। और इसको जो है हम ट्रांसपेरेंट भी करेंगे, तो टूल्स में जाएं, ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करें, सिंपली ट्रांसपेरेंट कर दें लेफ्ट साइड से। ट्रांसपेरेंट करने के बाद ये जो हमारा डिज़ाइन है इसको हम ग्रेडियंट बना लेते हैं। तो कीबोर्ड से जी प्रेस करें और यहाँ पर येल्लो से रिलेटेड कलर फिल कर दें, वैसे डार्क येल्लो रखेंगे लाइट नहीं रखेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा और डिज़ाइन बनाते हैं, तो मैं इसका एक डुप्लीकेट और यहाँ पर कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कलर रखेंगे और इसको भी हम यहाँ से क्या नाम है, उसके बाद इसको भी हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पर इसका हल्का सा इफेक्ट जो है देखने को मिल जाता है। तो जो प्लेन डिज़ाइन होता है, प्लेन डिज़ाइन से यहाँ पर अच्छा इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइनिंग कर लिया है। अब इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और इस वाले रेक्टेंगल में कर लेते हैं पावर क्लिक। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड। पावर क्लिप करने के बाद अब मेटल तो आपका सेट है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको सिंपली यहाँ पर सेट कर लेना है। शिफ्ट के साथ करेंगे पेज अप, टेक्स्ट का कलर कर देते हैं वाइट। ये जो डार्क पार्ट पे है इसका कलर जो हम करेंगे वो वाइट कर लेते हैं। साइज जो टेक्स्ट का रखेंगे वो मिनिमम 8 पॉइंट तक हम रख सकते हैं, उससे छोटा ना रखें। और बड़ा की बात अगर करें तो 10 से बड़ा ना करें, जो रनिंग मैटर है उसको 10 से अधिक ना करें, क्योंकि विजिटिंग कार्ड है तो पोस्टर तो है नहीं कि आप बहुत बड़ा बड़ा सा मैटर रखेंगे, ठीक है। तो 10 पॉइंट परफेक्ट रहेगा। और इस लोगो को मैं और छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा करेंगे और टॉप में रख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये जो नेम यहाँ पर है ये काफ़ी बोल्ड है, तो इसको आप नॉर्मल कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है स्टाइलिश लेटर सेट करने की तो स्टाइलिश लेटर भी रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको और नॉर्मल कर देता हूँ, ये काफ़ी बोल्ड लग रहा है। उसके बाद इसमें से हम एक लीफ कॉपी करते हैं और टॉप साइड से हम उसको सेट कर देंगे, तो थोड़ा सा और डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से मैंने लीफ कॉपी किया और यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं एक लीफ, चाहे तो दूसरी भी कॉपी कर लें। साइज इसकी मैं छोटी कर लेता हूँ, वैसे 2 लीफ रख लें या फिर सिंगल लीफ ज़्यादा बेहतर लग रहा था हमें। और ट्रांसपेरेंट कर देते हैं ट्रांसपेरेंसी टूल का इस्तेमाल करके। इसका जो हम कलर रखेंगे वो कर लेते हैं हम ग्रे से रिलेटेड करेंगे, वैसे 1 लीफ रखते हैं, डबल अच्छा नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से एक बहुत बेसिक सा बजटिंग कार्ड आसानी से डिज़ाइन हो जाता है। अब मैं इसी का डुप्लीकेट करता हूं और इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो इसमें हम फिल करेंगे इस बार, पहले आप क्या करें, कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट तो नहीं करेंगे, एडिट पावर क्लिप में चले जाते हैं, फिर यहाँ पर कलर फिल करेंगे। तो इसमें हम फिल कर लेते हैं ग्रीन कलर, कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और इसको जो है हम डार्क कर लेते हैं, यहाँ से डार्क कर लेते हैं। और ये जो आपका डिज़ाइन है इसमें थोड़ा सा और भी डार्क कलर फिल करते हैं इस तरीके से। उसके बाद ये जो आपका डिज़ाइन है इसमें हम ऑरेंज से रिलेटेड फिल कर लेते हैं, वैसे ऑरेंज से रिलेटेड जो कलर है यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें और लाइट कलर रखते हैं। तो कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और इसी कलर को लाइट कर लेते हैं, ये अच्छा इफेक्ट आ जाता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अगर एक बार आपने डिज़ाइन कर लिया तो फिर कलर चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप फटाफट जितना भी कलर करना चाहें कलर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ एक आसान सा बजटिंग का डिज़ाइन कंप्लीट तैयार कर लिया है। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।